दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी विलमार के बारे में। अडानी विलमार जहां पर आज के दिन क्वार्टर वन के नंबर्स में एक बहुत बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ थोड़ा सा मार्जिन इशू भी अब आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर अडानी विलमार और बाकी एडिबल ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है। आज ही के दिन आई रिपोर्ट में अडानी विलमार की एडिबल ऑयल के प्राइसेस में हमें लगभग 30 रुपीज़ तक डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर माना जा रहा है कि कंपनी के मार्जिन इशू यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। देख पाएंगे आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें एडिबल ऑयल खाने के तेल जल्द 30 रुपये सस्ते हो जाएंगे और कंपनियों ने जुलाई के तीसरे हफ्ते से ये MRP घटाने की यहाँ पर बात करी है। और इन सभी में हमें अडानी विलमार का भी नाम देखने को मिल रहा है। अडानी विलमार ने अपने प्रोडक्ट के MRP में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। और अगर एडिबल ऑयल्स की बात करें तो इंडिया में एडिबल ऑयल के मामले में अभी जो नंबर वन कंपनी है उसका नाम अडानी विलमार ही है। और जब एकदम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसेस के अंदर 30 रुपये की कटौती होगी तो डेफिनेटली उसके रेवेन्यू के ऊपर तक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन इशू पर भी हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी ने जो अपनी नई प्राइसेस यहां पर शो करी है वो भी आप देख पाएंगे, जो कि हमें नेक्स्ट वीक से यानी कि 3rd वीक से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल जो कि 1 लीटर का पाउच पिले आपको 195 रुपीज़ में अडानी विलमार का देखने को मिलता था, वो अब आपको 165 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट 30 रुपीज़ की डिक्लाइन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, 30 रुपीज़ की कटौती करी गई है। वहीं अगर फॉर्च्यून सनफ्लावर की बात करें तो वहां पर भी हमें लगभग 211 रुपए की कटौती देखने को मिल रही है। ऐसे सभी एडिबल ऑयल के प्राइसेस में काफी बड़ी कटौती करी गई है और इसका एक सीधा इंपैक्ट आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि अडानी विलमार के Q2 के रिजल्ट के ऊपर हमें मार्जिन इशू के रूप में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर आप अडानी विलमार के शेयर होल्डर्स हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है और शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि जो एडिबल ऑयल के मामले में मल्टीवेगर कंपनियाँ हैं यानी कि जिनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस पर हमें कोई बड़ा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर हम अडानी विलमार की बात करें तो इनके पास डिमांड काफ़ी अच्छी है और डिमांड के साथ साथ कंपनी के पास में सप्लाई भी है, जिसके चलते हुए जो ये रेट के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं या आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी पूरी तरीके से रिकवर भी कर लेगी। चलिए ये तो बात हो गई पहली अपडेट के बारे में, अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट जो कि शेयर होल्डिंग्स पैटर्न से रिलेटेड निकल कर आई है। जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न अडानी विलमार की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें प्रमोटर्स का स्टेक तो एज इट इज हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 87.94% का स्टेक ही प्रमोटर्स ने यहां पर अभी भी कवर कर रखा है, लेकिन सेबी के अनुसार 75% से स्टेक से ज़्यादा का स्टेक अभी प्रमोटर्स कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 3 सालों में ये स्टेक आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिल जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो जहां मार्च 2022 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अडानी विलमार के अंदर 2.01% का स्टेक कवर कर रखा था, वही स्टेक अब हमें सिर्फ 1.50% का देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.51% का स्टेक FII की तरफ से सोल्ड आउट किया गया है क्वार्टर वन के अंदर। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.41% का स्टेक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हमें मार्च क्वार्टर तक देखने को मिल रहा था, जो कि अब 0 हो चुका है, यानी कि DII ने अडानी विलमार से पूरी तरीके से एग्जिट ले लिया है। अब बात करें कि यहां पर खरीदारी किधर से करी गई है, तो यहां पर खरीदारी करी गई है पब्लिक इन्वेस्टर्स की तरफ से। और जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी के अंदर FII DII एग्जिट ले लेते हैं, प्रमोटर्स एग्जिट ले लेते हैं और पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उस शेयर के अंदर थोड़ी सी रिस्क हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अभी इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का स्टेक एज इट इज है, तो यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है। अडानी विलमार के जो क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होने वाले हैं उस पर आपको सबसे ज्यादा नजर बनाए रखनी है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के ऊपर। अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट ईयर कंपनी ने 808 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो पिछले 4 सालों में सबसे हाईएस्ट है। साथ ही साथ कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी डिक्लेयर किया है, वहां पर हमें लास्ट 2 साल में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका एक इंपैक्ट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी
इसकी शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो नो डाउट शेयर बहुत अच्छा है। 81,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी जो कि आईपीओ आने के बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बनाकर दे चुकी है। डिविडेंड अभी किसी प्रकार का कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन इसका जो आरओसी और आरओई कंपनी ने पिछले एक साल में मेंटेन किया है वो काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, यानी कि 15 के अबव ही हमें इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने को मिलता है। कंपनी के पास में रिजर्व भी काफी अच्छे हैं, जिसके चलते आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको इस शेयर्स के अंदर डिविडेंड जैसी अपडेट भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी कंपनी की काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ अडानी विलमार, जो कि हमें 530 रुपए से लेकर 630 रुपए के बीच में ही कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 530 रुपए का ही है। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मेरा मतलब है कि यदि आपका व्यू अडानी विलमार के अंदर 2 से 3 साल का है, तो यहाँ पर आप इस 100 रुपए के गैप के अंदर जो सपोर्ट है 530 रुपए का, उसको ध्यान में लेकर चल सकते हैं, उसको कवर करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि 600 रुपए के ऊपर भी शेयर्स ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप 600 रुपए के सपोर्ट को ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ पर आप 700 रुपए तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी कि हर 100 रुपए में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसके लेते हुए यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर, यानी कि क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर हमें थोड़े से मार्जिन इश्यू देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, उसी प्रकार से एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा सा हमें प्रेशर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड को कट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर कंपनियों के भी मार्जिन इशू हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये मल्टीबैगर कंपनियां हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप अडानी विलमार के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो अगर ये शेयर आपको 590 से रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में मिलता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने आपके ही अपने टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर @ official, जहां पर 16,000 से भी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी इनरोल्ड है, वहां पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।